मोहब्बते का ये खूबसूरत हीरो याद है आपको? वो चॉकलेटी चेहरा जो जब जब बड़े पर्दे पर नजर आता था, जवान लड़कियों के दिल धड़का जाता था। जी हाँ, ये है 90 के दशक के सबसे हैंडसम एक्टर जुगल हंसराज, जो अब इस कदर बदल चुके हैं। जुगल अब फिल्मी पर्दे से दूर हैं और कुछ ऐसे दिखते हैं। आज यानी कि 26 जुलाई को जुगल हंसराज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने उम्र की हाफ सेंचुरी लगा ली है, वो 50 साल के हो गए हैं। अपना 50वां जन्मदिन जुगल हंसराज बेहद रोमांटिक अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर जुगल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्हें अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ सेलिब्रेशन करते हुए देखा जा सकता है। अब जुगल हंसराज तो बरसों से फिल्मी पर्दे से दूर हैं, तो चलिए आज हम आपको बॉलीवुड के इस गुमनाम सितारे की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं कि वो अब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं जुगल हंसराज। साथ ही करवाते हैं उनके परिवार से मुलाकात। 26 जुलाई 1972 को जन्मे जुगल हंसराज आज 50 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपना फिल्मी करियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया था। अपने क्यूट लुक्स की वजह से जुगल दर्शकों के दिलों में घर कर गए थे। हालांकि जुगल बतौर लीड हीरो फिल्मों में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। जुगल हंसराज अब मुंबई छोड़कर अमेरिका में जा बसे हैं। साल 2014 में जुगल ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जैस्मिन ढिल्लो के साथ शादी की थी और हमेशा के लिए अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। दोनों अब एक क्यूट से बेटे के पेरेंट्स भी हैं। बीते सालों में जुगल हंसराज के लुक्स में इतने बदलाव आए हैं कि उन्हें देख हर कोई हैरान रह जाता है। जुगल हंसराज के बालों में अब सफेदी चमकने लगी है। यूं तो जुगल सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब भी वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई नई तस्वीर शेयर करते हैं तो उसे वायरल होने में देर नहीं लगती। हालांकि सफेद बालों वाले इस लुक में भी वो काफी हैंडसम दिखते हैं। जुगल हंसराज अपने फैमिली के साथ न्यूयॉर्क में जा बसे हैं। जुगल की वाइफ जैस्मीन पेशे से इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। जैस्मीन और जुगल की शादी ऑकलैंड में हुई थी। जुगल जैस्मीन के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। जैस्मीन भी काफी स्टाइलिश हैं। खूबसूरती के मामले में वो कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों को मात देती हैं। हैंडसम जुगल को जैस्मीन परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती हैं। दोनों की जोड़ी जबरदस्त है। इस कपल का एक क्यूट बेटा भी है, जिसका नाम सिदक है। सिदक दिखने में बिल्कुल अपने पापा जैसे हैं। बेटे के साथ जुगल फ्रेंड्स वाली इक्वेशन शेयर करते हैं, हालांकि सिदक को ये लाइमलाइट से दूर ही रखते हैं। बीते साल सिदक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुई थी, जब जाने माने डायरेक्टर शेखर कपूर ने जुगल जैस्मीन और सिदक की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी थी। याद दिला दे कि जुगल की पहली फिल्म मासूम को शेखर कपूर ने ही डायरेक्ट किया था। बता दें कि फिल्मों को अलविदा कह चुके जुगल हंसराज अब करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं। वो क्रिएटिव टीम में शामिल हैं, जहां वो फिल्मों की स्क्रिप्ट सिलेक्शन का काम देखते हैं। जुगल हंसराज ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1983 में रिलीज हुई शेखर कपूर की फिल्म मासूम से की थी। फिल्म में जुगल की एक्टिंग की हर किसी ने सराहना की थी। 1994 में फिल्म आ गले लग जा से जुगल ने बतौर हीरो इंडस्ट्री में कदम रखा था। इसके बाद जुगल ने कई फिल्मों में काम किया। आदित्य चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें में भी जुगल दिखे थे, हालांकि वो बतौर हीरो फ्लॉप एक्टर साबित हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।